हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स 20 जुलाई को ये किस तरीके से इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स और क्या टारगेट हम लोग को दिखा सकता है। तो अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे पूरा इसने हेड एंड शोल्डर बनाया कि जो भी ये यहाँ पे जो इसका लो था उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट दे दिया और फिर से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग हो रखी है। ठीक है, इतना बड़ा कैंडल सेलिंग का अभी तक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना था, राइट, और उसके बाद सिर्फ बाइंग कैंडल्स बन रही थी, ऊपर जा रहा था। अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज ब्रेक करने के बाद फिर से ये एक नया रेंज यहाँ पे बना रखा है। तो नो डाउट अगर ये 4360 के आसपास से नीचे निकलता है तो यहाँ पे 4300 का लेवल बहुत पास में है और इसका ऑल टाइम यहाँ पे मतलब दो चार बार यहाँ पे लो भी लगा रखा है, तो इसको एक बार रिटेस्ट करने ये आ सकता है, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है। तो कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये हो सकता है ये लेवल ब्रेक करते ही नीचे की ओर गिर जाए। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, चलिए 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ही सही और नाजुक जगह पे बोलूंगा मैं ये प्ले कर रहा है अभी। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट लेवल है 4400, और यहाँ पे इसने रेंज ब्रेक किया था 4400 200 रुपीज़ का। ठीक है, 100 रुपीज़ का रेंज ब्रेक किया था और इसके हिसाब से यहाँ पे इसने 4600 200 का टारगेट हमको दे दिया है, लेकिन जो बड़ा रेंज यहाँ पे इसने ब्रेक किया है वो बड़ा रेंज ये है। ठीक है, तो ये टारगेट अभी तक हमको दिया नहीं है इसने, तो इसका जो 50% है, ठीक है, इसका 50% है लगभग यहाँ पे, तो हो सकता है इन लेवल को एक बार ये रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर निकल जाए और ये हमारा जो यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट है 4900 को दे। लेकिन फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये यहाँ पे क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। और उसके बाद अगर ये 4300 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बात मानिए फिर ये 4200 4100 को रिटेस्ट करने आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा क्योंकि लास्ट टाइम का जो लो है यहीं के आसपास है। तो इसको एक बार रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे रेंज बना के ये डिसाइड करेगा इसको ऊपर जाना है या फिर से इसी रेंज में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इसको एक चीज सिर्फ यहाँ पे बचा सकती है, जो कि अगर कल यहाँ पे 4400 के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, 4400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर ये ऊपर क्यों निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे की ओर नहीं गिरेगा, लेकिन कल अपना ये लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन हो सकता है यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बने, नीचे जाने के बाद वो क्लोजिंग अपनी ऊपर दे दे, क्योंकि यहाँ पे 4300 का यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके कल के दिन यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और इस जोन में आने की कोशिश करेगा। तो कल के हम लोग यहाँ पे टारगेट्स एंड लेवल्स देख लेते हैं इस शेयर के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ और कल के लेवल्स अगर हम लोग देखें तो कल अगर ये 4352 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा, 4352, ठीक है, 4352 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है हम लोग को, ठीक है, वो मिल सकता है अराउंड 4335 का। ठीक है, 4335 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। जो सेकेंड टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 4310 का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही रखा है मैंने ताकि अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकले तो हमारा एटलीस्ट ये टारगेट देखे जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर बाइंग हैपनिंग होनी वाली होगी तो बाइंग हैपनिंग होगी अब इस कैंडल के बाद, अगर ये 4416 को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हम लोग को जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस कैंडल का लो, क्योंकि ये यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है 4335। एंड जो सेकेंड पॉइंट होगा यहाँ पे हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 4445 का। तो यहाँ पे जो हमारे लिए ऊपर और नीचे के टारगेट्स हैं एक बार मैं बता देता हूँ, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है ये जो कैंडल है इसके नीचे और इसके बीच में कहीं भी ओपन होके नीचे की ओर ब्रेक करता है 4352 को, तो पहला टारगेट 4336, दूसरा टारगेट 4310, एंड ऊपर की ओर अगर ये निकलता है तो 4435 पहला टारगेट, 4446 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपन होगा तभी ये जो भी मैंने यहाँ पे ये दे रखे हैं आपको लेवल सभी वैलिड होंगे, अदरवाइज अगर गैप अप ओपनिंग हो गया और यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया तो ये इनवैलिड होंगे और सही तरीके से काम नहीं करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, वीडियो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।